तो गाइस देखिए अभी सोनू का टीका हो रहा है। ए सजगान भैया, इसका शादी उदी होगा? लगन बन रहा है इसका? अभी लगन नहीं है तो सावन बाद होगा इनका, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। तो गाइस यार अभी टीका भी करवा लिए हैं और दर्शन दूर से कर लिए क्योंकि भीड़ बहुत है और फिलहाल निकलते हैं, कॉलेज के लिए हो रहा है लेट। बाबा करते हैं प्रणाम। गाइस मैं निकल गया हूँ कलुआ के साथ में, और भाई पैसा जितना निकालने आते उतना नहीं निकला, 4 लाख निकला 5 लाख के बजाय। देखो कैश पूरा भर लिए गाइस गाड़ी में, एकदम कैश से मोटा मोटा हो गए हैं। क्या जी अभी और चाहिए अगर निकलेगा तो? अभी देख लीजिए इतना सारा पैसा काम करेंगे क्या बताइए। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ब्लॉगर अंकित। तो हर हर महादेव, आज है सावन का पहला सोमवारी, यानी कि आज है सोमवारी, सावन चढ़ गया, सोमवारी बोल रहा हूँ, आज से सावन चढ़ गया है। आज है 22 तारीख और भाई साहब अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ कॉलेज, तो अभी कॉलेज जाते टाइम ना उधर से चलो बाबा बीटेश्वरनाथ के दर्शन कर लेंगे और आज आपको ब्लॉग कंटिन्यू मिलने वाले हैं। और मैं बता दूँ अपने ट्रिप की बात, तो मैं जा रहा हूँ अगले आने वाले 2-4 दिनों में उज्जैन सोलो ट्रिप करने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं सोनू के पास और मस्त चलते हैं बाबा बीटेश्वरनाथ का दर्शन करने सावन के पहले सोमवारी के दिन। गाइस मैं निकल गया हूँ कलुआ के साथ में, कलुआ के साथ में पगला उगला है क्या यार? कलुआ नहीं है जी, इसको रील्स कलुआ वाला सावन में बोला होना है ना भाई। अच्छा ठीक है, चलिए अभी चलते हैं महादेव स्थान दर्शन करेगा ना भाई। दिखाई दिखाई भोसरी भोसरी। 5 minutes later भाई ना मान चुके थे बाबा बीटेश्वरनाथ के दर्शन करने, लेकिन मंदिर में बहुत ही भीड़ है, तो अभी आए टीका करवा के चल लेंगे। पर पूजा करवा लिया है गाइस, और बहुत भीड़ इसी कारण जल ढारने हम नहीं जा रहे हैं, बस तो घर ही पूजा कर लिया। तो जाओ कौन करवाएगा जी, अपना टीका कंप्लीट करवा लिया, तुम ही करवाएगा? ये तो घर ही से करके आया एकदम भौकाल वाला टीका। और गाइस जी देखिए सावन के पहले सोमवारी के दिन भाई साहब इतना भीड़ है, कहना ही क्या है, मतलब जाते जल ढारने का मन था लेकिन अब क्या करें, एक तो लेट भी हो रहा है क्लास जाने के लिए और ऊपर से मंदिर के अंदर का भीड़ दिखाएंगे आपको, उधर से घूम के जाएंगे तो मंदिर के अंदर का भीड़ दिखाएंगे, तब तक ये चेकआउट करो बाहर का। क्या जी सोनू तुम पूजा करेगा तो करा ले जल्दी, तो हम कर लेंगे, तो बैठो जल्दी टीका करवा लो, जाओ जाओ बोल भैया के। प्रकाश का टीका हो रहा है गाइस, देख लीजिए इसको, कलुआ एक कलिया नहीं है, गोरा हो गया, देख नहीं रहा है? नहीं भाई गोरा एकदम गोरा दिख रहा है तुम। ए भैया इसका शादी कब होगा कुछ बताइए तो नहीं? ए सजगान भैया गाइस देखिए अभी सोनू का टीका हो रहा है। ए सजगान भैया इसका शादी उदी होगा? लगन बन रहा है इसका? अभी लगन नहीं है तो सावन बाद होगा इनका, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। सोच ले बहुआ कि दांत देखा वैसे कुछ नहीं होगा, होगा नहीं है। तो गाइस ये देखो मंदिर के अंदर भाई साहब कितना भीड़ है बताओ। गाइस यार अभी टीका भी करवा लिए हैं और दर्शन दूर से कर लिए क्योंकि भीड़ बहुत है और फिलहाल निकलते हैं कॉलेज के लिए, हो रहा है लेट, तो बाबा करते हैं प्रणाम। आज एक बार यहाँ से देख लो तो वो करते हैं नमस्कार और चलते हैं कॉलेज। तो गाइस यार ना मैं आज कॉलेज से घर जस्ट अभी आके बैग वगैरह रखे हैं, तो चलते हैं पहले फ्रेश होते हैं, आते आते 3 बजे फ्रेश होकर चलते हैं मस्त एकदम खाना खाने। क्या कहाँ लेके जा रहे हो उनको? अरे ये क्या करके रखी है, ये घर बना के रखी है, पीछे मारेगी मम्मी आएगी तो देख लो इसको, ये पूरा एकदम घर बना के रखी है ऊपर से नीचे से ढक के, पिटाएगी तो मम्मी मारेगी। तो फिलहाल अभी चलते हैं ड्रेस करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं और मस्त एकदम चलते हैं खाना खाने, भूख हमको लगा हुआ है कस के क्योंकि लंच कॉलेज में काफ़ी पहले ही फिनिश कर चुके हैं भाई, अभी 3 बज गए और धूप तो एकदम
कुछ कहना ही नहीं धूप का, बहुत कड़ा धूप के भाई। गाइस यार देखो अभी हम तुरंत आ गए गाड़ी में। भाई साहब जस्ट मैंने अपना कपड़ा खोला, कपड़ा खोलने के बाद बैठा ही था कुछ खाने को, फोन कर दिया ये बाबू साहब रवीश कि भाई साहब जल्दी से आओ रोड पे। बोले क्या बात है, तो बोला कि जल्दी से आओ, फिर आ गए। अब क्या ही करना, बुलाया जरूरी था तो आ गए। आने के बाद पता चल रहा है कि लेके जा रहा है हमको कहाँ, तो बेटा लेके जा रहा है गाड़ी में कुछ कैश निकालना है, और कैश निकालना है मोटा सारा, तो ये गाड़ी लेके आया स्कॉर्पियो, नहीं तो हम ऐसे आते नहीं, क्योंकि भाई एकदम सुबह से भूखे हैं, लंच जो किए थोड़ा सा वही खाए, उसके बाद फिर आके घर से जाकर मस्त एकदम खाना खा के आराम करूंगा। लेकिन ही हम पूजा उजा करके पढ़े तो जा नहीं रहा है, घर पूजा कर रहा है। बहुत सावन का बोलता है कि महादेव महादेव पढ़ाई करने जा नहीं रहा है, तो चलो कोई नहीं, मतलब हम भी चश्मा वश्मा लगा लिए हैं, तो फिलहाल चलते हैं बेटा और इसका कैश निकलवा के आते हैं, एकदम आज हम पार्टी पार्टी करना है। पार्टी देगा भाई। तो चलिए अभी चलते हैं बेटा, जय श्री महादेव। ये देख लो सावन का महीना। अच्छा चल यार, हम आ चुके थे बैंक, पैसा निकल गया है बहुत मुशक्कत के बाद, गाड़ी देखो यहाँ लगा दिया, और भाई पैसा जितना निकालने आते उतना नहीं निकला, 4 लाख निकला 5 लाख के बजाय। देखो कैश पूरा भर लिए गाइस गाड़ी में, एकदम कैश से मोटा मोटा हो गए हैं। क्या जी अभी और चाहिए अगर निकलेगा तो, अभी देख लीजिए इतना सारा पैसा का हम करेंगे क्या बताइए, तो फिलहाल चलते हैं घर। पार्टी देगा सब पैसा का जी, गाइस देखिए अब कैश तो लेके जा रहे हैं घर, लेकिन एक बात आप बताएं भाई, 20 लाख का गाड़ी लिए हैं, कहीं पैसा रखने का जगह नहीं है गाड़ी, बता तो ये गोद में रख के लेके जाना पड़ रहा है। इसको देखो, ये देखो इसमें चश्मा उश्मा रख दिए हैं, अब बताओ कैश रखने का जगह नहीं है इस स्कॉर्पियो में, 20 लाख का गाड़ी है और ये 5 लाख रुपया लेके हम लोग 4 लाख ऐसे ही घूम रहे हैं, बताइए इसको तो देना चाहिए, तो घूमने के लिए कैश रखने के लिए जगह कहे जी रवीश, कैश रखने के लिए जगह नहीं है बताइए, तो ये 4-5 लाख रुपया लेके हाथ में जाएं, अब 20 लाख की गाड़ी है 5 लाख हाथ पे लेके चलेंगे जी, तब क्या बोल रहे तब क्या भाई साहब, बताओ इतना पैसा छोटा सा अमाउंट जो है रखने का जगह नहीं है गाड़ी में, सोचा कि डाल दे इसमें, लेकिन बताओ कहाँ रखे, कैसे इसमें रखे बताओ, अब इसके बाद जो है पैसा बंद होवे नहीं करेगा, देखो अब क्या करें, कोई नहीं तो अब इन सारे पैसों को जो है ना गोद में ही रखते हैं और चलते हैं घर।